नमस्कार विद्यार्थियों, वित्तीय ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज अपने टॉपिक लेकर क्या है टेंसेस। टेंसेस का आज हमारा फर्स्ट डे है, उसके बाद और क्लासें आएगी। टेंसेस को अपने सभी विद्यार्थियों के लिए जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, और जीरो लेवल का मतलब है बिल्कुल ही जीरो, ग्राउंड लेवल से शुरू कर रहे हैं। टेंस हमें पता है कि हमें टेंस का नाम याद है, हम इसके वर्ब की फॉर्म याद कर लेते हैं, लेकिन इसके यूसेज कैसे होते हैं, जो उपयोग है, यूसेज है, हम उनके बारे में याद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेंस का सीधा सीधा सा अर्थ है वर्ब। एक बात ये ध्यान रखें, टेंस का कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वर्ब से पूछा जाएगा। वर्ब आपसे भरवाएंगे, वर्ब भरवाएंगे, या तो खालिस्तान छोड़ करके वर्ब भरवाएंगे, या आप जब टेंस की पहचान करेंगे तो वर्ब को देखकर करें। वर्ब को देखकर करने का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ कौन सा टेंस है, यहाँ कौन सा टेंस है, और यहाँ कौन सा टेंस है। बस ये प्रकार की बातें आपको देखनी पड़ती है। टेंस जब भी अपने पर्सन टेंस का आता है वो उसको हल करते हैं। इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वर्ब क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट इसके अंदर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के अनुसार जो चीजें आपने देखा होगा कि कोई भी जब हम सेंटेंस का पैटर्न लेते हैं उस सेंटेंस के पैटर्न में एस वी ओ ये तीन चीजें हमें मिलती है। ठीक है, वी का मतलब यहाँ पे वर्ब है सीधा सा, और जो मेन पार्ट है वर्ब तो देखनी पड़ेगी, टेंस का नाम ही वर्ब है। ये जो सब्जेक्ट है ये प्रभावित करता है किसको, वर्ब को। इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आगे आने वाली वर्ब आती है। ये टेंस है, ये वर्ब को प्रभावित करता है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट क्या है और ये वर्ब क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का मतलब है जो भी व्यक्ति काम को करने वाला है, हिंदी में इसे कर्ता कहते हैं, यानी कौन काम करने वाला है, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है। राम गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, यहाँ पे स्कूल कौन जाता है, राम जाता है, राम जाता है, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कर्ता, काम को करने वाला। और ये जो वर्ब है इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आई है, ये सब्जेक्ट इस वर्ब को प्रभावित करता है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे कोज आ गया, अगर यहाँ पे दे होता, ये सब्जेक्ट दे होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, ये आ जाता वो। ठीक है, पहला सबसे पहला नियम मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर का मतलब है एक वचन आएगी। और इसी का दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट इसका, कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। नहीं समझा बात, अभी डिटेल से मैं बता देता हूं। सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट प्रभावित करेगा। जब भी हम टेंस के प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट आपको देखना होगा। आपने एक टॉपिक कभी पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं है तो सुना होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब का एग्रीमेंट होता है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है हमेशा, सब्जेक्ट और उसके हिसाब से ही वर्ब आएगा। अब हम बात करें थे सब्जेक्ट के बारे में, यहां आ गया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को देखना है। अभी हम पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लूरल क्या होता है। सब्जेक्ट हमें पता लग गया, सब्जेक्ट काम को करने वाला जो मुख्य है, जो काम को करता है, जो सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट आता ही आता है। वैसे तो एस वी ओ है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट आए नहीं आए कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है टेंस के पर्सन से, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट अलग है। हमें टेंस के अंदर क्या करना है, एक सब्जेक्ट को देखना है और दूसरा देखना है वर्ब। तो सब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट
करने वाला है, करता है, मुख्य है, जो काम को करता है, लीड रोल निभाता है इसका। अब देखो, अभी मैंने यहाँ पे लगाया दे के साथ सब्जेक्ट आ गया तो हमने वो लगा दिया, और यहाँ पे राम है चाहे ही है चाहे सी है, सारे के सारे सिंगुलर है, तो हम लोगों ने बोध लगा दिया, ये सिंगुलर और प्लूरल लगा। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में काम कौन करता है, या तो मैं करूंगा, कोई व्यक्ति करेगा, व्यक्ति करेगा जैसे नाम आ गया उसका राहुल, वही करेगा काम, और या कौन करेगा, इसका जो प्रोनाउन है वो कर देगा, कौन ही कर देगा, या तो हरीना कर देगी, और या कौन काम करेगा, सी, और ये सारे मिलकर करेंगे तो कौन कर देगा, दे, और किसी को कह दिया तो कौन कर देगा, यू कर देगा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट है, यही तो काम करने वाले हैं, और तो कोई काम करता नहीं है, जैसे ये बोर्ड है तो कहीं काम तो करता नहीं है, हम इनसे काम ले सकते हैं लेकिन ये अपने आप काम नहीं करते, हम काम इन लोगों को कहते हैं, और ये काम करने वाले लोग है, इसलिए ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है मतलब क्या है, करता है, करने वाले है। इसके अंदर आपको देखना है कि क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है, इसके अंदर जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है वो अलग अलग मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी चेंजेस होने वाले हैं। तो ये पर्सन के अंदर आ जाते हैं। अब पहली बात तो ये कि या तो सब्जेक्ट होगा नाउन, या तो सब्जेक्ट होगा नाउन। अब नाउन जब सब्जेक्ट है तो अकेले का नाम आ गया, तो रमेश का नाम आ गया, तो वो तो सिंगुलर है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर कोई ज्यादा व्यक्तियों का नाम आ जाता है, विलेजर्स आ जाता है, तो ये क्या, विलेजर्स क्या है, प्लूरल हो गया, ये तो पता ही लगेगा हमें सिंगुलर और प्लूरल का, क्योंकि नाउन के अंदर बहुत बढ़िया रूल है, नाउन में एस या ईएस जोड़ने से, नाउन में एस या ईएस जोड़ने से नाउन प्लूरल हो जाती है, नाउन में एस या ईएस जोड़ने से नाउन में प्लूरल हो जाती है, एस या ईएस जोड़ दो। इसके अंदर अलग अलग रूल्स है और भी है, बहुत सारे रूल है, सीधा भी एस जुड़ता है, एस या ईएस भी जुड़ता है, और वाई को हटाकर आईएस भी जुड़ता है, बहुत सारे रूल है, लेकिन मोटा मोटा जब हम देखें तो नाउन में एस या ईएस जोड़ने से नाउन प्लूरल हो जाती है। जैसे हमने बनाया स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या बना देंगे, प्लूरल स्टूडेंट, आपको पता लग जाएगा भाई ये सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है, और इसके आगे आने वाली जो वर्ब है वो क्या आएगी, वो प्लूरल रहेगी। सिंपल सी बात, सब्जेक्ट जब क्या है, जब सब्जेक्ट है आपका नाम, और दो नंबर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, दो नंबर आपका सब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन, कौन हो सकता है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हो सकता है तो फर्स्ट पर्सन में कौन होगा, आई और वी होगा, तो ये दोनों ही प्रेजेंट के अंदर प्लूरल है, ये दोनों ही प्रेजेंट के अंदर क्या है, प्लूरल है, आई और वी दोनों प्रेजेंट में प्लूरल है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दो नंबर सेकंड पर्सन आपका क्या बनेगा, यू बन जाएगा, और थर्ड पर्सन आपका क्या बनेगा, ही है, सी है, दे, ये आपके सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर ये भी आपका प्लूरल है सब्जेक्ट।